नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु सिंह। मैं आज का रेसिपी बनाने जा रही हूँ दाल पिट्ठी। तो देखिए, मैंने दाल को चढ़ा दिया। दाल में सारे मसाले डाल चुकी हूँ, जीरा और हल्दी पाउडर, नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ मैं। और ये देखिए, मैंने आटा भून के रखा है। ये देखिए मैंने इसको बेल के रखा है और इसको मैं काट ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से काटना है, छोटा छोटा। तो देखिए, तो मैं एक बार काट के रख ले रही हूँ। एक डब्बे की वो नीचे काटना है। तो देखिए इस तरह से आप इस सब काट लीजिए। और देखिए, मैं पूरा काट के दिखाती हूँ। ये मैं पूरा काट के आपको दिखा दे। अब फूल भी बना के दिखाऊंगी यही कि कैसा फूल बनता है इसका। ये देखिए दोस्तों कैसे कटता है। ये कटिंग कटा है, देखिए। ये देख लीजिए। अब मैं जब इसका फूल ये वाला काट लूँगी पूरा, तो मैं इसका फूल बना के आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। दाल मेरा अब हो चुके हैं, मैं कि ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर इसके साथ दाल पिट्ठे के साथ फिर दाल पकेंगे दोस्तों। ये देखिए, मैंने एक आटे का पिट्ठा लिया है। देखिए, अब इस तरह से इसको ऐसे फूल बना लेते हैं। ऐसे वो सब आटा जो है वो सब फिर कटिंग करके मैं फिर इसको बेल करके अब कट करूँगी। और ये देखिए इस तरह से सारे फूल में सारे अति को फूल को अति जो बेल के काट करके रखी हूँ। ये देखिए, सारे अति को मैंने फूल बना दिया है। फूल बना रही हूँ। देखिए इस तरह से ऐसे फूल बनाया, आप तीन फूल भी बनता है ऐसे दोस्तों। ये देखिए तीन फूल भी ऐसे बनता है। फिर से बोलो वो सब, क्योंकि आप बन के हैं। अच्छे होते हैं तो फूल निकल जाएंगे। दूसरा से। और ये देखिए, चार फूल हो रहा था। मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से आप ऐसे पकड़िए और ऐसे दबा दीजिए। इस तरह से चार फूल हो गए आपके। और चाहे आप तो दो फूल भी बना सकते, लेकिन उतना अच्छा नहीं बन सकता है दो फूल। ये देखिए इस तरह से ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब ये हो जाएगा आपका अथी का शेप जैसा, कि मैक्रोनी का शेप या फिर उसके अथी की शेप जैसा। तो इस तरह से इसको नहीं बनाए। दाल पिट्ठी बना रहे हैं तो आप चार फूल ही या तीन फूल बनाएं। ये सब जितना बेल के मैंने रखे, काट के कटिंग करके जो रखा था, ये देखिए फूल बना लिए। अब ज़्यादा नहीं बचा है। ये देखिए फूल को तैयार कर लेती हूँ, तब तक मेरा सिटी खुल जाएगा। ये देखिए तब तक ये बन गया। अब इतना फिर आटा भी और बनाने का है। बच्चे लोग का भी रोटी बनेगा इसमें से, इतना नहीं मैं बनाऊँगी ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सारे देखो फूल पूरा सब बेल के काट के दिखाते हैं। अब फिर से मैं बेल करके आप काट के दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा बेटा बनाया है। फिर बोलो। ये देखिए मेरा बेटा बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है मेरे बच्चा। ये देखिए फूल तैयार कर दिया है। और देखिए थोड़ा आटा गीला टाइप से हो गया है, तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ। फिर से मैं बेलूंगी उसको, आप सभी को दिखा रही हूँ बेल करके, कट करके, कटिंग करके। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इतना साइज का ये आटा काट लिया है, इतना लोई बना ली हूँ मैं। इस तरह से लोई को बना लीजिए। इस देखिए बर्तन में लपेट लीजिए इस तरह से। आप पूरा ये देखिए पूरा चक्रे पर बर्तन में थोड़ा लगा लेती हूँ। ये देखिए पूरा बेल करके आप सभी को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसको बड़ा साइज को करूँगी पतला, एकदम बिल्कुल पतला, रोटी जैसा पतला कर दूंगी बेल करके इस तरह से। मेरा बेटा इधर डेकार ले रहा है, काम कर। वाह, सट गया रे बाबा, सट गया। चल अच्छा खाए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारा, ये देखिए बेल करके पूरा चकले भर का तैयार कर दी हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए बोलो कि आज मैं ज़्यादा आम खाती हूँ इसलिए मुझे गलत क्यों? मेरा बेटा ज़्यादा
आम खा चुके हैं इसलिए बेचारे को डकार ज़्यादा आ रहे हैं। चार आम खा चुका है पका हुआ मालदा है आम। देखिए देसी खाना, शुद्ध देसी खाना है आज का दोस्तों। ये देखिए पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी मेरा दाल देखिए डाल दिए तपेली में, थोड़ा दो भाग में बनाएंगे इसको। देखिए देखिए दाल बन रहा है मेरा, ये बन रहे देखिए, देखिए पीठे डाल रहा है सारा। देखिए अब पक जाएंगे तो फिर दिखाएंगे मैं इसको कैसे किस तरह से पका रहे हैं। ये देखिए इसको चलाते रहना है आपको। ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है, देखिए एकदम। देखिए सारा बना लेते तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ तैयार करके। तो देखिए मेरा दाल का किस्मत बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको छौंका मारूंगी लहसुन और जीरा और हींग और मिर्ची से। देखिए दोस्तों ये देखिए मैंने लहसुन को चढ़ा रहे लहसुन हींग और थोड़ा सा जीरा लिया है, मिर्ची मैंने डाल रहा है उजाल में। छौंका मैं मार देती हूँ एक, हाँ एक चलो चलो मार दीजिए। अच्छी से छौंका मारूंगे, सब कुछ छौंका लगाऊंगी। अब खाना भी निकालूंगी सबको, दिखाऊंगी मैं दाल पीठा बना करके। अचार मसाला जो डाले इसमें, अचार का मसाला डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है आम का अचार। क्या गेम है ये? पापा को बुलाइए।